कोरोना महामारी में जो लोग शहीद हो गए, शायद हमने देखा होगा इतनी जय। जय हिंद दोस्तों, जय शिवकाली। दो रात इस धर्मशाला में रुके थे, यहाँ पे पंडित जी है पंडित जी के साथ, और आज फिर आगे जाना है। सो मेरा ओमकारेश्वर में हो चुका है दो दिन, मैं इसी मंदिर और इसके पीछे होने वाले धर्मशाला में रुका था रात, और फिलहाल मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, इसी के अंदर हिस्से में मैंने अपना टेंट लगा लिया था, और फिलहाल पंडित जी दिख नहीं रहे, और मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। साइकिल वगैरह बांध लिया, सारे कुछ पैक हो चुका है, बस उनके इंतज़ार करना पड़ेगा 5-10 मिनट, उनसे बिता लेके फिर चलेंगे आगे। मैं साइकिल पूरी की तरह से रेडी है, और मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला ओमकारेश्वर में आके। ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, जल चढ़ा दिए, अब आगे निकलने की तैयारी। आज जाएंगे महेश्वर के रास्ते, आज महेश्वर के रास्ते जाएंगे, तो देखते हैं आज की जर्नी कैसे रहती है। अभी ओमकारेश्वर से महेश्वर की तरफ जा रहा था, अभी मुझे बस 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं। बीच में ये भाई लोग मिले रास्ते में, हाय। ये लोग उज्जैन से जा रहे हैं, हाय जैम। उज्जैन से अभी आ रहे हैं, अभी यहाँ पे ओमकारेश्वर का दर्शन करेंगे, फिर महेश्वर भी जाएंगे, और कुछ ही दिनों में शायद ये भी निकलने वाले हैं। हाँ। तीन जन का ग्रुप है, तीनों निकलने वाले हैं। हाँ। पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करेंगे। यस सर। तो करते हैं इनसे भी। बेसिकली मेरा प्लान है जो मध्य प्रदेश और भारत के लोकल टूरिज्म सेंटर हैं उनको प्रमोट करना, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, गर्ल्स सेफ्टी के लिए प्रमोट करना। बहुत बढ़िया। और हम एनसीसी कैडेट हैं, तो हमें सिखाया जाता है ट्रेनिंग में कि आपको कैसे एक्सपीडिशन करना है, तो हम एक साहसिक गतिविधि कर रहे हैं, हमारा यही मकसद है। और कुछ आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? मोहित पाटीदार। आपका? अर्जुन देवड़ा। अर्जुन देवड़ा। आपका? रितेश परमार। रितेश परमार। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग भी अच्छे से जर्नी करें, और आगे जाके ये भी बहुत कुछ करने वाले हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल मैं चलता हूँ महेश्वर की तरफ, मिलते हैं। ओमकारेश्वर से महेश्वर के रास्ते जा रहे हूँ, और यहाँ पे मुझे एक अंकल जी मिले हैं। वो अंकल जी पूरे पैदल भ्रमण कर रहे हैं, और उनके बहुत सारे संदेश हैं, बहुत ही अच्छा सा मैसेज है उनका, हम उनसे 2 मिनट बात करते हैं। जय हिंद अंकल जी। तो आप पैदल भ्रमण कर रहे हैं, आप कहाँ से कहाँ तक के भ्रमण कर रहे थे बोलेंगे? मैं इंदौर का रहने वाला हूँ, इंदौर जन्म भूमि है, माँ अहिल्या के पावन नगर में हमारा जन्म हुआ है, और हमारी उम्र चल रही है 66 की ओर चल रही है। 66। ये यात्रा इंदौर से स्टार्ट हुई है, देवास उज्जैन होते हुए ओंकारेश्वर मंडलेश्वर महेश्वर खलघाट होते हुए सेंधवा सिरपुर धुलिया मालेगाँव शिरडी शनि सिंगनापुर नासिक त्र्यंबकेश्वर माता सप्तसरंगी गढ़ होते हुए मध्य प्रदेश की ओर पहुँचे। ये यात्रा है हमारे देश के वीर जवान, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। कोरोना महामारी में जो लोग शहीद हो गए, शायद हमने दुनिया में देखा होगा इतनी जय, उनके लिए ये यात्रा निकली है। और एक संदेश जरूर दूंगा, वैक्सीन जरूर लगाएं, हम सुरक्षित, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। वैक्सीन लगाए, 2 गज दूरी माँ से जरूर। 50 साल पूरे हो गए, और मैं अपना जीवन का एक सपना है, बचपन से समझा है, किसको वर्ल्ड के निजूत में गर्व किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम उनका एक बार बोर्ड देख लेते हैं, उनकी मैसेज को अच्छे से देख लेते हैं। आप अभी हमारे माता पिता एवं गुरु को, गुरु एवं गुरु को प्रथम प्रणाम। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और भी देख सकते हैं वास्तव में पूरे के पूरे, और गुजरात के कुछ क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, पैदल यात्रा कर रहे हैं। जो लोग शहीद हो चुके हैं COVID-19 की वजह से, उनके श्रद्धांजलि देने के लिए चल रहे हैं, तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका उद्देश्य क्या है? अभी नर्मदा नदी के ब्रिज को पार कर रहे हैं, ये आज दूसरी बार है। अभी फिलहाल मंडलेश्वर में,
और सामने एक भाई इंतज़ार कर रहे हैं उससे मिलने के लिए, और लगभग उल्टी रास्ता जा रहे हैं, वो भी लगभग काफ़ी देर से मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वो नर्मदा नदी के परिक्रमा कर रहे हैं, जाएंगे उनसे मिलेंगे, फिर कुछ देर बाद शायद करेंगे, उसके बाद आगे जाके बस ज़्यादा नहीं, यहाँ से मुझे और लगभग 15 किलोमीटर जाके आज की जर्नी को रोकेंगे। कि नर्मदा नदी बहुत ही खूबसूरत, जय मां नर्मदे। चलते हैं फिलहाल के लिए। नर्मदा नदी है मांडलेश्वर के, वो सामने जो शहर दिख रहा है छोटा सा, वो मांडलेश्वर है। ओमकारेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर दूर, 66 किलोमीटर दूर पैरासर नदी है माँ नर्मदे, बहुत ही पवित्र नदी है। आज चलेंगे यहाँ से, अभी थोड़ा निकल रहे हैं, 15 किलोमीटर जैसा बाकी है, वहाँ चल के फिर रुक जाएंगे आज। तो चलते हैं, देखते हैं आज का कैसा रहता है बाकी का जर्नी। आज दिन भर बहुत मज़ेदार जर्नी हो गया, सो चलते हैं फिलहाल। केले के चिप्स बनाए जा रहे हैं एकदम फ्रेश केले। आज ओमकारेश्वर से महेश्वर जा रहे हैं, और बीच में मांडलेश्वर पार करने के बाद मैं इस ढाबे में रेस्टोरेंट में रुक के खाना खाया, और खाना खाने के बाद जब पैसे देने गया तो भाई पैसे नहीं ले रहे। आए तो भरेंगे, भाई पैसे क्यों नहीं ले रहे हो आप? भवन पर निकले ना, बस भवन पर लिख रहे इसलिए पैसे नहीं ले। चलो खैर जो भी हो, भाई का नाम क्या? प्रफुल जायसवाल। प्रफुल जायसवाल, भैया को थैंक यू बहुत बहुत पैसे नहीं लेने के लिए। मैं बाहर जाके एक बार दिखाता हूँ रेस्टोरेंट का बोर्ड वगैरह। जायसवाल ढाबा, ये महेश्वर और मांडलेश्वर के बीच में आता है, बस यहाँ से 5-6 किलोमीटर बाकी होगा महेश्वर। आज महेश्वर में आके रुके हैं, यहीं बगल में पीछे एक धर्मशाला है, यहीं पे रुके हैं आज। अंदर आए, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है बस, और फिलहाल नर्मदा की घाट पे थोड़ा सा घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। इधर पानी के बीच में एक महादेव की मंदिर है, और इधर बस थोड़ा सा टहल रहे हैं, और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय शिव काली।